चलिए तो अब नौवा चैप्टर देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। ठीक है, आठवा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आठ, ये नौवा चैप्टर है हमारा, उत्प्रेरण। ठीक है, याद रखिए केमिस्ट्री के जितने भी हमारे लेक्चर बनेंगे वो सभी एक जगह मिल जाएंगे आप लोगों को। वो है आपका जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव डालता है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? वर्जीलियस ने। ठीक है, याद रखिए। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है? विषमांग उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वउत्प्रेरक। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। आगे बात करते हैं। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब वह पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका क्या कारण है? मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? क्यूपिक क्लोराइड। उत्प्रेरक विष क्या होता है? क्रिया निरोधक। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का होता है? उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से सहयोग करके। ठीक, वर्धक कैसे कार्य करता है? उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। अब आगे बात करते हैं, विभिन्न उत्प्रेरकों व उनके उपयोगों की बात करते हैं। तो ये उत्प्रेरक हो गए और उपयोग। मॉलिब्डेनम अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि में, निकेल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में, गरम एलुमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में, क्यूपिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में, पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीनों को पेप्टाइड में अपघटित करने में, इरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्लों में अपघटित करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व। अमोनिया के उत्पादन की हेवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? मॉलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? सक्रियण ऊर्जा बदलना।
एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? माइकोडर्मा एसिटी। फलों से बने पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। नाइट्रिक एसिड के निर्माण की ओस्ट वाल्ड विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? पीटी की जाली। अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जल वाष्प। आगे बात करते हैं, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को तीव्र कर देता है परंतु स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साम्य स्थिति पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? साम्य स्थिति अपरिवर्तित रहती है। क्लोरोफॉर्म के फॉस्जीन में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में एल्कोहल किस प्रकार के उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। एथिल एसीटेट के जल अपघटन में एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्य करता है? आत्म उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये था हमारा 9वां चैप्टर, ठीक है, उत्प्रेरण। अब बात करेंगे 10वें चैप्टर में ईंधन के बारे में, ठीक है।